हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और ये सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलती हैं, तो इनकी इंग्लिश पता होना हमें ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट सेंटेंस है, इसकी क्या कीमत है? हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर, या फिर बोल सकते हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट। खुद को इन सब मामलों से दूर रखो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज मैटर्स, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज मैटर्स, खुद को इन सब मामलों से दूर रखो। अगला सेंटेंस है, तुम इन सब मामलों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज मैटर्स, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज मैटर्स, तुम इन सब मामलों से दूर रहो। ये सेंटेंस भी हम अपनी लाइफ में बोलते हैं डेली यूज़ में। अगला सेंटेंस है, पानी गर्म हो गया है, द वाटर इज़ हीटेड, द वाटर इज़ हीटेड, या फिर द वाटर इज़ वार्म्ड, द वाटर इज़ वार्म्ड, या फिर बोल सकते हैं द वाटर हैज़ टर्न्ड वार्म, द वाटर हैज़ टर्न्ड वार्म। इन तीनों सेंटेंस में से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकती हैं। तुम हमारे घर कब आ रहे हो? वैन आर यू कमिंग टू अस, वैन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे घर कब आ रहे हो? चादर गंदी हो गई, द बेडशीट गॉट सॉइल्ड, द बेडशीट गॉट सॉइल्ड, चादर गंदी हो गई। आते समय सब्जी लेकर आना, इस सेंटेंस को लेडीज़ बोलती हैं अपने हस्बैंड से या किसी से भी बोलना होता है, आते समय सब्जी लेकर आना। डू ब्रिंग वेजिटेबल्स वाइल कमिंग, डू ब्रिंग वेजिटेबल्स वाइल कमिंग, आते समय सब्जी लेकर आना, इस सेंटेंस को हम ज़्यादातर अपने घरों में बोलते रहते हैं। अगला सेंटेंस है, प्लेट में खाना निकाल दो, टेक आउट द फूड इन द प्लेट, टेक आउट द फूड इन द प्लेट, प्लेट में खाना निकाल दो। मुझे बहुत खांसी आ रही है, आई एम कफिंग बैडली, आई एम कफिंग बैडली, मुझे बहुत खांसी आ रही है। अपने जूते बाहर उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर उतार दो। तुम मुझे चुपके चुपके सुन रहे थे, यू वर ओवर हियरिंग मी, यू वर ओवर हियरिंग मी, तुम मुझे चुपके चुपके सुन रहे थे। ओवर हियर का मतलब होता है चुपके चुपके सुनना, यानी कि चुपचाप सुनना। फलो फूलो, मे यू फ्लरिश, मे यू फ्लरिश, फलो फूलो, फ्लरिश का मतलब होता है समृद्ध हो जाना। तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यू शैटर्ड माई होप्स, यू शैटर्ड माई होप्स, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शैटर का मतलब होता है चूर चूर कर देना, यानी तुमने मेरी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आई एम नॉट एनी पपेट, आई एम नॉट एनी पपेट, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। बोलने और करने में फ़र्क होता है, टॉकिंग इज़ वन थिंग एंड डूइंग इज़ अनदर, टॉकिंग इज़ वन थिंग एंड डूइंग इज़ अनदर। दूसरी तरह से इसको ऐसे भी बोल सकती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड डूइंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड डूइंग, बोलने और करने में फ़र्क होता है। वह किसी तरह उससे अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया, ही समहाउ मैनेज्ड टू गेट अराउंड हिम, ही समहाउ मैनेज्ड टू गेट अराउंड हिम, या फिर बोल सकती हैं He was somehow able to convince him. वह एक धूर्त व्यक्ति है, He is a shifty character. He is a shifty character. या फिर He is an untrustworthy person. He is an untrustworthy person. दूसरी तरह से बोल सकते हैं, He is an evasive person. He is an evasive person. Evasive का मतलब होता है टाल मटोल करने वाला, या फिर अस्पष्ट। चलती बस पर मत चढ़ो, डोंट बोर्ड अ रनिंग बस, डोंट बोर्ड अ रनिंग बस,
चलती बस पर मत चढ़ो, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। आज कौन सी मूवी लगी है, विच मूवी इज़ ऑन टुडे, विच मूवी इज़ ऑन टुडे, आज कौन सी मूवी लगी है, विच मूवी इज़ ऑन टुडे, आज कौन सी मूवी लगी है। आप बेवजह परेशान हैं, यू आर अननेसेसरीली वरीड, यू आर अननेसेसरीली वरीड, या फिर बोल सकते हैं आप यू आर वरीड फॉर नो रीज़न, यू आर वरीड फॉर नो रीज़न। आप बेवजह परेशान हैं, आवेश में मत आओ, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, आवेश में मत आओ। तुम किसी के सगे नहीं हो, यू आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन, यू आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन, या फिर बोल सकते हैं यू आर नॉट ऑनेस्ट विद एनी वन, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद एनी वन, मतलब कि तुम किसी के भी साथ ईमानदार नहीं हो, किसी के भी प्रति समर्पित नहीं हो। इस सेंटेंस का मतलब यही है। अगला सेंटेंस है हमारा, उसका बात करने का तरीका सबसे अलग है, हिज टॉकिंग स्टाइल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, हिज टॉकिंग स्टाइल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, उसका बात करने का तरीका सबसे अलग है या सबसे हटके है। आउट ऑफ द बॉक्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सबसे अलग या हटके। वह आजकल चर्चा में है, ही इज़ इन द लाइमलाइट नाउ अ डेज, ही इज़ इन द लाइमलाइट नाउ अ डेज, वह उससे मिलने के लिए बेताब है, ही इज़ इम्पेशेंट टू मीट हिम, ही इज़ इम्पेशेंट टू मीट हिम। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं, टीयर्स वेलड अप इन माय आईज बाय हियरिंग दिस, टीयर्स वेलड अप इन माय आईज बाय हियरिंग दिस, यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं। हाथापाई मत करो, डोंट एक्सचेंज ब्लोज, डोंट एक्सचेंज ब्लोज, ब्लोज का मतलब होता है हाथापाई करना। बच्चों ने घर को सिर पर उठा रखा है, मतलब कि शोर कर करके सिर पर उठा रखा है घर को, तो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ हेल ऑफ नॉइज, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ हेल ऑफ नॉइज, बच्चों ने घर को सिर पर उठा रखा है। मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, लड़ाई झगड़े में सेंटेंस को बहुत बार बोला जाता है, आई विल सेटल स्कोर विद यू लेटर ऑन, आई विल सेटल स्कोर विद यू लेटर ऑन, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, मुझे तुम्हारी खैरात की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर आर्म्स, आई डोंट नीड योर आर्म्स, मुझे तुम्हारी खैरात की ज़रूरत नहीं है। आर्म्स का मतलब होता है खैरात।